सरयू नदी का किनारा, राम की नगरी अयोध्या और कई चेहरे, कई लोग जो यहाँ अक्सर कुछ तलाश में आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, कुछ जो यहीं रहते हैं वो जो लोग आते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे परिचय करते हैं। एक ऐसा ही परिचय हमें आज मिला, अंशु हमें यहाँ मिली है। अंशु, क्या उम्र है आपकी, कितने साल की हैं आप? 11 साल। 11 साल की हैं और यहाँ आती रहती हैं सरयू नदी पर, यहीं रहती हैं अयोध्या में माता पिता के साथ। तो इसमें क्या रखा है आपने? सांप। सांप है। She belongs to the snake charmer community and has been earning her livelihood for her family by demonstrating a small snake here. आप हमें दिखा सकती हैं? दिखाइए। आपको डर नहीं लगता है? अच्छा, अभी सो गया लगता है ये। अच्छा, कौन सा सांप है ये? नागिन। नागिन है। नागिन के बारे में कैसे, आप बचपन से खेलती आई हैं, डर नहीं लगता है? माता पिता भी क्या वो जो एक सपेरा कहते हैं वो है? अच्छा, कहाँ से लाते हैं, जंगल से या खरीदते हैं? जंगल से। जंगल से लाते हैं। तो इनके साथ आपके भाई बहन भी हैं, वो भी अलग अलग जगह जाते हैं इनके साथ? तो यहाँ इसको देख के लोग कैसे आपको पैसे देते हैं, क्या क्या कह के देते हैं, पूजा करके देते हैं या डर के देते हैं? किसी ने डरा जाता है तो दे देता है, किसी ने पूजा करके देता है। अच्छा, तो अंशु दिन में कितने घंटे यहाँ पर रहती हैं आप? 4 बजे तक। 4 बजे शाम तक। अच्छा, तब तक लोग आते रहते हैं, फिर शाम में जब आरती होती है तब नहीं रहते, आरती करके फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? बहुत समय से, जब छोटी थी तब से। तो ऐसे कुछ जो पैसे मिलते हैं वो पिताजी माताजी को जाके आप देती हैं, और पिताजी माताजी भी ये सांप ही रखते हैं, सांप पालते हैं? कुछ हमें बताइए, तब घर जाके फिर क्या करती हैं आप? खाना बनाते, खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, दोस्त वोस्त हैं आपके वहाँ घर के आसपास, उनके साथ खेलते हैं? इधर वहाँ पे एक लड़की और सांप दिखा रहा है। अच्छा, तो कुल मिला के कितने लोग होते हैं जो ये सांप लेके यहाँ आते हैं? 10-12 लोग होते हैं। 10-12 लोग होते हैं। तो पिताजी ने बताया शिव जी के गले में भी सांप होता है। राम की ये नगरी है, सरयू नदी है, और कहते हैं हिमालय से ये नदी आई है और हिमालय में ये शिव जी रहते हैं। तो सांप के बारे में आपको किस तरह की जानकारी है, जो इसकी धार्मिक जानकारी है? मेरी पापा ने बताया है। क्या बताया? इसके दांत निकाल के, दांत तोड़ के मुझको दे दे के जाओ दिखाओ सांप। अच्छा, तो लोग पैसे देंगे? तो सब कैसे पैसे देते हैं, कोई ज्यादा देता है, कोई कम देता है, या आप बोलती हैं इतना दो? किसी ने फोटो खिंचाया तो 10 दे दिया, 20 दे दिया। अच्छा अच्छा, तो फोटो भी खिंचवाते हैं लोग? ठीक है। वैसे आपको ये सांप जब ऐसे रहते हैं तो उनको मन लगता है आपके साथ? कितने हैं घर पर, और भी हैं? तो रात में सोए रहते हैं इसी में, बाहर भी निकल जाते हैं? नहीं निकलते, इसमें बंद करके, दूध पिला के बंद करके रख देते हैं। अच्छा, दूध पीते हैं सांप, अपनी जीभ से पीते हैं धीरे धीरे। ठीक है अंशु, चलिए आप अपना ख्याल रखिए। और इनका कुछ नाम रखा है आपने सांप का? कुछ तो नाम रखा होगा, जैसे आपका नाम अंशु है, मेरा नाम पंकज है। नहीं, नाम नहीं रखा। नाम नहीं रखा है। अच्छा ठीक है, चलिए। सांपों के बारे में और क्या जानती हैं आप, ये कैसे, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कुछ पता बताया पिताजी ने? नहीं बताया। अच्छा, कितने साल की थी जब आप इससे खेलने लगी थी? 3 साल। 3 साल की। अच्छा चलिए, सरयू पर आती हैं और या उधर राम मंदिर की तरफ भी जाती हैं, उधर भी जाती हैं। ठीक है अंशु, और कुछ कहना चाहेंगी आप कैमरे में? अच्छा, बड़ी होके क्या करना चाहती हैं आप? चलिए, अभी कुछ सोचा नहीं है। टीवी देखती हैं, क्या देखना पसंद है?
कहानी, कैसी कहानी? परिवार वाली या भगवान की, और या फिर कैसी? परिवार वाली। चलिए ठीक है, चलिए अंशु आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, यू हर्ड इट फ्रॉम 11 ईयर ओल्ड अंशु एंड विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एट दिस होली प्लेस ऑफ अयोध्या, डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट बाइंड्स ऑल ऑफ अस टुगेदर। फॉर अंशु, फॉर thousands and lakhs of people who come here to the shores of river Sariu, needless to say, this is something that is truly reflective of the Indian culture.